हाय स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं, सेम थिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी जानते हैं। और अगर आप ये नहीं जानते हो तो मैंने आगे जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख लीजिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आज हम बात करेंगे कि अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें पोलराइजेशन कैसे होगा। सेम थिंग पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें पोलराइजेशन कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से। तो अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें और उसको पहले अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। जैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड होता है, मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव सभी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही है, मतलब उसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। तब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की जो सिचुएशन होगी कुछ ऐसे होगी और उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अब क्या होता है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब हम ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत दूर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि नेगेटिव पॉजिटिव इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा कि दिस डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूंट चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो थोड़े बहुत दूर जाते जाएंगे, लेकिन कब तक, जब अंदर उसके जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके अंदर जो फोर्स क्रिएट होगा और बाहर का जो फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे से बैलेंस में नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। जब वो दोनों फोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हिसाब से जो फोर्स लगता है वो दोनों फोर्स अगर बैलेंस में आ जाए तब ये जो प्रोसेस होगी डिस्प्लेसमेंट की वो स्टॉप हो जाएगी और ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दस डेवलप्स एन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के सेपरेशन की वजह से। सेम थिंग यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट बन जाएगा, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो ये जो सारे डायपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सीधा एडिशन होगा। तो द डायलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज बाय द एक्सटर्नल फील्ड। और जब भी ऐसा डायपोल मोमेंट बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ऐसे डायलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे, हम पोलराइज हो गया है ऐसा बोलेंगे। और द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप गिवन अ नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। और मैंने आगे भी बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी की डायरेक्शन, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन सेम ही है। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से सब डायपोल मोमेंट जो होंगे वो ऐड होंगे और उसकी वजह से हमें नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ नॉन डायलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम
नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तब क्या होगा कि उसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, दैट मीन्स उसमें डायपोल मोमेंट मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो सभी में डायपोल मोमेंट है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि डायपोल मोमेंट जो है वो ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से क्या होगा, ये सभी का आप एडिशन करो तो वेक्टर एडिशन ये सभी का कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब नेट डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा, ज़ीरो। समझते हैं? अ डायलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डेवलप्स ए नेट डायपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड बट फॉर अ डिफरेंट रीज़न। अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगा, लेकिन अभी E इज इक्वल टू ज़ीरो है तब नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, ज़ीरो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स आर ओरिएंटेड रेंडमली ड्यू टू थर्मल एजिएशन, सो द डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो। मतलब नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो। कब? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स E इज इक्वल टू ज़ीरो है तब। अब मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, या फिर व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स टेंड टू अलाइन विद द फील्ड, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो अलाइन होने का ट्राई करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि सभी की डायरेक्शन जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में बनती जाएगी, और एक ही डायरेक्शन में बनती है उसकी वजह से उसमें भी क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो विथ व्हेन सम और ऑल द मॉलिक्यूल्स देयर इज देन नेट डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब द डायलैक्ट्रिक इज पोलराइज। तो जैसे नॉन पोलर में समझा था उसी तरह यहाँ पे पोलर डायलैक्ट्रिक जो मीडियम है, मटेरियल है, उसमें भी क्या होगा, पोलराइजेशन होगा जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तब। अब बात करते हैं हम इसका कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला इसका। तो इन द आइदर केस, मतलब चाहे डायलैक्ट्रिक हो चाहे नॉन डायलैक्ट्रिक हो, सॉरी पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, दोनों केस में वेदर पोलर और नॉन पोलर, अ डायलैक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, दोनों केस में क्या होगा, जब उस दोनों को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब उसमें पोलराइजेशन होगा या फिर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगा। लेकिन दोनों केस में क्या होता है कि जब भी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो नेट डायपोल मोमेंट कितना मिलता था, ज़ीरो मिलता था। द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय पी। तो ये जो डायपोल मोमेंट मिलता है, टोटल डायपोल मोमेंट, उसको हम वी के साथ डिवाइड करें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज डिनोटेड बाय पी। तो यहाँ पर पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर समझो कि ये जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा। पोलराइजेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम। मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। अब डायपोल मोमेंट ज़्यादा कब बनेगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तब। दैट मीन्स अगर डायपोल मोमेंट ज़्यादा मिलता है तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो पोलराइजेशन आफ्टर ऑल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी प्रोपोर्शनल टू ई। और अगर हम कॉन्स्टेंट पुटअप करें तो यहाँ पर काई ई इसको बोलते हैं, तो पी इज इक्वल टू काई ई इंटू ई। और उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिंबल को जो नाम है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। जैसे वो इज ए कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायलैक्ट्रिक एंड नॉन एज अ इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द डायलैक्ट्रिक मीडियम। तो काय है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाय ई। तो पी दैट मीन्स पोलराइजेशन, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके जरिए आप उसका
जो SI यूनिट है वो भी बना सकते हो, एज वेल एज उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हो।